आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इलस्ट्रियस नॉन मेटल अमंग दीज फॉलोइंग इज, मतलब आपको बताना है कि अमंग दीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, मतलब एलिमेंट्स सॉरी, इनमें से आपका इलस्ट्रियस नॉन मेटल कौन सा होने वाला है। फाइन, तो देखो सबसे पहले तो आपको एक बात बतानी चाहिए कि जो इलस्ट्रियस प्रॉपर्टी होती है ये आपकी बेसिकली मेटल्स की होती है। मतलब लस्ट्रस का मतलब होता है कि शाइनी जिनका सरफेस होता है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका शाइनी सरफेस होता है उसे हम कहते हैं लस्ट्रस एलिमेंट। और ये प्रॉपर्टी जो होती है कि मार्केबल होती है फॉर द मेटल्स। बट अगर यहाँ पर पूछा है कि नॉन मेटल्स के केस में आपके पास लस्ट्रस कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो देखो इसका हमारे पास एग्जाम्पल होता है आयोडीन एंड डायमंड। ये दोनों आपके क्या है, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके एक तो नॉन मेटल्स हैं और इनके पास क्या होता है, एक शाइनी सरफेस होता है। तो कहने का मतलब है कि ये आपके क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। फाइन, आपको यहाँ पर एक बात और पता होनी चाहिए कि जो आपके पास डायमंड होता है ये आपका क्या है, एलोट्रॉप होता है कार्बन का। इट इज़ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, और कार्बन भी आपका क्या है, एक नॉन मेटल है। सो इसलिए आपको कहोगे कि जो आयोडीन होता है और डायमंड होते हैं ये आपके नॉन मेटल्स होते हैं, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं वो आपका आयोडीन जो होता है वो एक नॉन मेटल होता है। बट अगर मैं डायमंड की बात करती हूँ तो ये आपका एलोट्रॉप होता है कार्बन का। फाइन, बट इसको भी हम नॉन मेटल की तरह ही कंसिडर करते हैं। सो ये दोनों ही आपके नॉन मेटल्स हैं और इनका जो सर्फेस होता है वो क्या होता है, लस्ट्रस होता है। सो ऑप्शन वन और ऑप्शन टू यहाँ से करेक्ट होने वाले हैं। सो आई होप दिस आंसर योर क्वेरी। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।